लोगों ने फॉलो किया था, मैंने ये डिमांड प्री बजट सेशन हुआ था इस बार, याद है 3 दिन का, जो मुख्यमंत्री ने सुझाव दिए थे कि बजट के अंदर क्या होना चाहिए, तो मैंने एक मांग उठाई थी उस समय कि हड्डा रोड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या ना केवल हमारे हल्के की, पूरे हरियाणा की है और इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। फिर बजट सेशन में मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर बजट के अंदर प्रावधान भी किया, और बल्कि वो बोला था कि जो अमित सियाल जी की मांग है उनके ऊपर मैंने ये प्रावधान कर रहे हैं कि हड्डा रोड़ी की जो जो है, अब उसके लिए उन्होंने क्या किया है सिस्टम की, जो जिला परिषद है, जिला परिषद के माध्यम से हड्डा रोड़ी हर एक ब्लॉक के अंदर कम से कम एक बनाने का है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक नहीं होती कि वहाँ पे गाड़ियाँ मुहैया करा दी जाएंगी और वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम के माध्यम से उसको चैम्बर बनाने के बाद उनको डिस्पोज ऑफ करने की सुविधा हो, तो ये एक ही कॉमन स्थान चूज किया जाएगा और वहाँ पे जिला परिषद के फंड से इसको बनाने का सरकार ने एक प्रपोजल दिया है। उनका मैंने ट्रैक भी करवाया था, उसके अंदर जो जो उनकी नक्शा और है वो भी तैयार कर लिया उन्होंने कि कितना पैसा तकरीबन लगेगा, 36 लाख के आसपास का उनका बजट है। अब इसके ऊपर पूरी आगे जाके चर्चा करनी है और उस पर लगे हुए हैं, तो कोशिश करेंगे प्राथमिकता पे इस ज़िले में पहले, सबसे पहले अपने ब्लॉक में इसको हाथ पैर मार के जल्द से जल्द लाने का प्रयास करें।